नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। आपको बता दें कि आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे महामहिम। हाईकोर्ट में 3 कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। यूपी नेशनल लॉ बोर्ड लॉ यूनिवर्सिटी का वो करेंगे भूमि पूजन। मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का भी शिलान्यास करेंगे। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की भी वो आधारशिला रखेंगे। अधिवक्ता एवी सरन के तैल चित्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। सीजीआई एनवी रमन्ना और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज उनके कई सारे कार्यक्रम। आपको बता दें उनमें से महत्वपूर्ण आज लॉ यूनिवर्सिटी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कई सारे कार्यक्रम उनके आज के रहने वाले हैं और राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनज़र कई सड़कों पर रूट डायवर्जन कर दिया गया है। कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित करने के साथ यहाँ पर पतंग उड़ाने और ड्रोन के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। वो तकरीबन 6 घंटे प्रयागराज में बिताएंगे। राष्ट्रपति यहां वायुसेना के विमान से बमहरौली पहुंचेंगे। वहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड में उतरेंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये आपको बता रहे हैं। 600 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे महामहिम। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वो भूमि पूजन करेंगे और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का भी शिलान्यास करेंगे। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे सबसे पहले बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम में कौन कौन रहेगा मौजूद ये आपको दे रहे हैं जानकारी। चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहने वाला है ये आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना रहेंगे इस दौरान मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और साथ ही साथ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रयागराज में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा ये आपको जानकारी दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों में कौन कौन रहेगा मौजूद ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक, तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। लॉ यूनिवर्सिटी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का वो शिलान्यास करने वाले हैं और
इसी के साथ कई और महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में कौन कौन मौजूद रहने वाला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कार्यक्रम में शामिल होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का महत्वपूर्ण प्रयागराज दौरा, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां पूरी की गई। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कई सड़कों पर रूट डायवर्जन कर दिया गया है, कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित करने के साथ यहां पर पतंग उड़ाने और ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का वो शिलान्यास करेंगे। वो तकरीबन 6 घंटे प्रयागराज में बिताएंगे। राष्ट्रपति यहां वायुसेना के विमान से बमरौली पहुंचेंगे, वहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड में उतरेंगे। हाईकोर्ट के परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। उनका विमान राष्ट्रपति के विमान से पहले आएगा, चीफ जस्टिस सड़क मार्ग से हाईकोर्ट जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से विशेष विमान से प्रयागराज आएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रयागराज दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रहने वाला है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।